क्या हरीम शाह की वीडियो वापसी लीक हुई और अदनान सिद्दीकी और करण डॉल की क्या वाकई में फाइट हुई और वकार दका पोक करते हैं आजकल के फेक ट्रेडर्स को और बाबा ओपी खरीदते अपनी ड्रीम कार। ऐसी बहुत सारी न्यूज है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलते आज की फर्स्ट न्यूज पे। लिटिल जलमी से एक बंदा क्वेश्चन करता है कि आपको वसीम मदामी को शो में क्यों नहीं बुलाया। इसी पे लिटिल जलमी रिप्लाई देते उनको, यार मोहिब तुमसे एक सवाल पूछा है किसी ने, वसीम बदामी ने आपको भी शो में नहीं बुलाया? यार मुझे नहीं जाना। तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज पे। बाबू अपनी अपनी न्यू गाड़ी खरीदते हैं, होंडा सिविक आर एस, जिसकी डिमांड 1 करोड़ से ऊपर ही है। उसी पे वो व्लॉग भी बनाते हैं, वो आप जाके देख सकते हैं और वो स्टोरी भी लगाते हैं। तो यार जो न्यू व्लॉग है वो मैंने अपलोड कर दी, आपके भाई ने ड्रीम कार लिया है यार, तो ये यहाँ पे लिंक है, इसको क्लिक करो और सारे जाके देखो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि तुम लोग को कैसी लगी है। ठीक है, लिंक पे जाओ, क्लिक करो और देखो और इंजॉय करो। तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज पे। जैसा कि आप सबको बिटकॉइन काफी ज्यादा डाउन गए, ऐसे काफी ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है और वकार जगह वही ट्रेडर है जिन्होंने 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट बनाया। तो इसी टिकटॉक पे काफी ज्यादा फेक ट्रेडर्स बैठे हुए हैं जो अपने आप को किंग समझते हैं, उसी पे वकार जगह उनको एक्सपोज करते हैं और यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर को पोक करते हैं। आप खुद ही देख रहे हैं उनकी वीडियो। मैंने आपको 2017 में ही बता दिया था कि पाकिस्तान में ना अभी नहीं 3-4 साल के बाद हर सेलिब्रिटी हर कोई क्रिप्टो का इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करेगा। हर कोई बोलेगा जी मैं तो बचपन से ही क्रिप्टो पता थी, मेरे तो दोस्त भी बता रहे थे, मेरा ये भी बता रहा था। आधे से ज्यादा को वकार जका ने बताई होगी, लेकिन अब देखते हैं किसका इतना जर्फ है कि वो माने कि हाँ यार पहली दफा क्रिप्टो बैठ के जबरदस्ती वकार ने हमें सिखाई बताई और बोला यार कॉइन तो खरीद, बिटकॉइन तो लो यार। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको टिकटॉक पे यहाँ वहाँ जो पाकिस्तान के फिल्म स्टार हैं, पाकिस्तान के सिंगर्स हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं, यूट्यूब कंटेंट मेकर्स जो हैं, वो सब ऐसे आपके सामने आएंगे, जरा बुलरन और आने दो, कहेंगे जी हम क्रिप्टो के अंदर सारी बात करेंगे, अब हम क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे, क्रिप्टो के बारे में बताएंगे, ऐसी साइंस लड़ाएंगे, कहेंगे हम तो 5-6 साल से इसमें क्रिप्टो स्पेस में, अब हम जो है इसको आपके सामने बता रहे हैं। सबके सब क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर बनेंगे। आपने याद रखना है कि किसने ये चीज इनको बताई हुई है। तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज पे। जैसे कि आप सबको पता है टिकटॉक पर ट्रेंड चल रहा है हरीम शाह की लीक वीडियो का, जिसको देखो आजकल यही चल रहा है हरीम शाह की लीक वीडियो का लिंक दे दो। इसी पे हरीम शाह रिप्लाई देती हैं और क्लियर करती हैं, आप खुद ही देख ले उनकी वीडियो। और तो मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात कहूंगी कि लानत हो आप तमाम लोगों पे झूठे झूठे फेक एलिगेशन लगाते हो और बेबुनियाद बातें करते हो। आपके अपने घर में माएं बहनें बैठी नहीं, या आपके आपके घर में कोई खातून नहीं है, हाँ कुछ शर्म नहीं आती? जितने मेरे ट्रेंड चला रहे हो और के फलस्तीन के लिए खड़े हों, मुस्लिमों के लिए खड़े हों, उनके ट्रेंड चलाएं तो कुछ हासिल भी हो, यहाँ पे हासिल होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन किसी की इज्जत नफ्स को मजरूर करना, इज्जत और जिलत खैर अल्लाह के हाथ में, लेकिन किसी के बारे में फेक बेबुनियाद घटिया किस्म के इल्ज़ाम लगाना और चीज़ों को प्रमोट करना, अल्लाह के आगे देर हैं देर नहीं है, और अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, हर एक इंसान जो भी करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है, अच्छाई या बुराई का सिला उसको जरूर मिलता है और हुकूक के बाद अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ नहीं करते। तो आपके अपने घर में माएं बहनें हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज पे। जैसे कि आप सबको पता है अदनान सिद्दीकी ने नीता यासिर के शो में कहा था कि लड़की की मिसाल मक्खियों जैसी है। इसी पे कैनी डॉल उनको स्टोरी पोस्ट करके रोस्ट कर देते हैं। तो अदनान सिद्दीकी खालिद उर रहमान को कॉल करके बताते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर है कैनी डॉल के नाम से, उसने मुझे ऐसा कहा है। तो खालिद उर रहमान कैनी डॉल को बगैरत कहते हैं। कोई साहब है जिनका नाम कैनी डॉल के नाम से मशहूर है, वो साहब, अच्छा, और वो रहते हैं दुबई में। उन्होंने कहा कि इसकी हिम्मत, बड़े सीनियर आदमी है अदनान साहब, उन्होंने शुरू कहा तेरी बहन, अब ये किसको किसको कह रहे हैं बहन? ऐसे बेगैरत लोग हैं, ऐसे देखो अब अदनान सिद्दीकी, बेगैरत लोगों का आपसे कोई वास्ता नहीं है, उनका मुझसे भी कोई वास्ता नहीं, उनसे मैं भी टकरता रहता हूँ। यू नीड नॉट वरी, जोक जोक में हम बहुत कुछ कह लेते हैं, अपना ख्याल रखो तुम प्लीज। मैं आई विल सी दैट Even on your behalf, I'll see you on social media. तो जब खालिद उर रहमान ने बेगैरत का कैनी डॉल को, तो कैनी डॉल दोबारा से वीडियो अपलोड करके इनको कहते हैं, मैं इंटरनेशनल लेवल पे रहता हूँ और ट्रैवल करता हूँ दुनिया भर में माशाल्लाह। तो बात ये कि मुझसे एक सवाल हमेशा दुनिया भर के लोग पूछते हैं कि यार पाकिस्तान में आप फेमस होकर एक दूसरे की करेक्टर असैसिनेशन क्यों करते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग अब बुरा भला कहते रहते हैं? मैं कहता हूँ कि पता नहीं यार, इसका कोई हल नहीं। यहाँ पे कोई आपके खवातीन को मक्खी बोल जाता है, उनके लिए आप आवाज उठाओ तो उस बंदे को बगैरत बोल दिया जाता है, और आपको कोई एक्टर कह दे कि हाँ जी मुझे इंटरनेशनली काम आया था, उसको बुरा बना देते हैं। तो मेरी जान, आपकी इंटरनेशनली क्या रिस्पेक्ट रहेगी? वो तो हमें पता कि इस तरह की बड़ी मार्केट में हम किस तरह काम कर रहे हैं, बिकॉज अपनी वैल्यू बना के रखनी पड़ती है एज इन्फ्लुएंसर। अब इन्फ्लुएंसर आपकी एज में आपको नहीं पता तो क्या होगा, मुतासर है शख्सियत को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, जो कि अपनी एक्टिंग उक्टिंग या किसी चीज के लिए आगे नहीं बढ़ते, अपने आप अपनी शख्सियत की वजह से जाने जाते हैं, अपने फैक्ट्स की वजह से जाने जाते हैं। तो अगर आपको मेरे ऊपर कुछ कहना है तो मेरी जान, मेरी तो लाइफ खुली किताब है। आई गो टू पार्टीज, आई डू दिस, आई डू दैट, आई शेयर एवरीथिंग ऑनेस्टली। आई लव यू गाइस सो मच।
वीडियो पोस्ट किए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, 80,000 पीपल, यू आर अमेजिंग यार. कोई बताए दुनिया को कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ पंगा नहीं लेते होते, और वो इन्फ्लुएंसर्स जो रियल वाले होते हैं जिन्होंने 10 साल लगाए होते हैं, ठीक है ना. तो फिर लव यू ऑल, आई लव यू ऑल सो मच, आई लव यू ऑल सो मच. बस यार प्यार है आप लोगों में. चलते अपने नेक्स्ट न्यूज पे. शरारती विलेज व्लॉग ने अपना टिकटॉक अकाउंट बना लिया, ये आ रहा होगा, आप जाके फॉलो कर सकते हैं इनको, जो कि हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रहे हैं और काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं. तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज पे. जैसा कि आप सबको पता है, वीडियो वाली सरकार ने एक्सपोज किया था जो भी शॉपिफाई के कोड सेलर है, और वो लोग बिलाल मुनीर को टारगेट करते हैं, और बिलाल मुनीर इसी पे कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो और भी कुछ बातें कहते हैं, आप खुद ही देख लें. अच्छा भाई, मैंने कहा स्टोरी बना के एक तो आप लोगों को थैंक यू कर दूं कि यार जो सेल का रिस्पॉन्स था वो इनसेन था. अच्छा, दूसरी चीज जो कि मैंने यहाँ पे क्लियर करनी थी ना, वो ये है कि आप में से काफी ज्यादा लोग ये सेल देख रहे हैं, और मुझे कुछ लोगों ने मैसेज भी किया, उन्होंने कहा यार बिलाल भाई आप हमें कह रहे थे कि जो शॉपिफाई है वो आपको नहीं करनी चाहिए, और आप खुद तो इतने पैसे बना रहे हैं. तो नंबर वन, तो आई नेवर स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम सेइंग कि यार शॉपिफाई मत करो, ये कारोबार मत करो, वो कारोबार मत करो. मैं तो ये कह रहा था कि भाई शॉपिफाई कोई सिल्वर बुलेट नहीं है कि भाई आपने मतलब ऐसे करके खाई और उसके बाद दस्ती मतलब जादू हो गया और सारी आपकी जिंदगी बदल गई. लोग क्या कर रहे हैं कि वो आपको दिखाते हैं कि भाई शॉपिफाई पता नहीं क्या नेक्स्ट लेवल चीज है, कोई भी कारोबार है उसी तरह का एक कारोबार है. अब मुझे क्या एडवांटेज है कि आप लोग मुझे देखते हो, मैंने वीडियो लगाई, सबने देखी, और क्विकली सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो गया. प्राइस बहुत अच्छी थी, प्रॉफिट नहीं रखा, वो चीजें भी हैं, बट कहने का मकसद यह है कि एटलीस्ट मैं दिखा सका ना आप लोगों को, तो मेरा एक नेचुरल एडवांटेज है इस सारी केस में. बाकी भाई मैं ये सीधी बातें बोलता हूं तो कुछ लोगों को बुरा लगता हूं, और काफी ऐसे लोग हैं जिनने मेरी इस वीडियो, ये जो मैंने बोला ना कि भाई ये कोर्स वगैरह पे ना भागो, उसके बाद मुझे टारगेट करना भी शुरू कर दिया. बट आई ऑनेस्टली डोंट केयर. ये सेल मुझे बताती है कि यू गाइस आर विद मी, एंड दैट इज ऑनेस्टली द ओनली थिंग दैट मैटर्स. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता यार, बड़े आए और बड़े गए. तो बस यार आज के लिए इतनी अपडेट थी. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. तो मिलते हैं फिर न्यू अपडेट के साथ.